अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको एमएस वर्ड के बारे में मज़ीद टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हम आगे अपने एमएस वर्ड की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से विकिपीडिया को ऑनलाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है। यहाँ पे आपको विकिपीडिया का ऑप्शन जो है वो मिल रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, बेसिकली विकिपीडिया एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको आर्टिकल्स वगैरह जो है मिलते हैं, मतलब इस पर कॉन्टेंट राइट हुआ मिलता है वेबसाइट्स पर डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड। यहाँ से आप जो चीज़ सर्च करेंगे आपको वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसका कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ YouTube, तो उसको सर्च करती हूँ YouTube को। ये देखें लोडिंग हो रही है और ये नीचे मुझे उसने YouTube के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वो क्या है और वेबसाइट के बारे में किस तरह काम करती है। ये डिफरेंट और आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, लिंक्स आपको दे रहे हैं, वो जो ब्लू लाइन्स में शो हो रहे हैं ना वो लिंक्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उनके पेजेस पर पहुँच जाते हैं। अब बेबी क्राई स्पीच रिकग्निशन जो है, ये एक वेब आर्टिकल लिखा हुआ था एक, मतलब तो इसको अब देखते हैं, ये फाइंड नहीं हो रहा। तो चलें इसको और कुछ फाइट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए प्री मेचोर है, डेजी है, डॉग ट्रेनिंग है, ये डिफरेंट आपको टॉपिक्स जो है वो दे दिए हैं कि बेबी को क्राई करता है तो उसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है कि वो किस वजह से रो रहा है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आपको विकिपीडिया का इस्तेमाल जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।